हेलो क्लास, टुडेज टॉपिक इज एम इज आर। आपका आज का टॉपिक है एम इज आर। क्लास, इस कहाँ पे यूज होता है? इस भी यूज विद सिंगल पर्सन, इस भी यूज विद सिंगल पर्सन। जब भी हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, वेदर ही वुड बी ही, शी, इट, हम क्या यूज करेंगे? इस। चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, या चाहे वो कुछ भी सिंगल चीज हो, कोई भी सिंगल चीज हो, हम उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। नेक्स्ट है आर। क्लास, हम आर कब यूज करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज मोर देन वन। कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा है, हम उसके साथ आर यूज करेंगे। कोई भी चीज अगर एक है तो इज आएगा, एक से ज्यादा है तो आर आएगा। जब भी हमें दिखे वी, यू, दे, तो भी हम क्या यूज करेंगे? आर। जब भी हमें दिखे वी, यू, दे, तब हम क्या यूज करेंगे? आर। एम। क्लास, एम यूज होता है आई के साथ। एम सिर्फ यूज होता है आई के साथ। एम के साथ हमेशा क्या लगता है? आई। इस हम यूज करते हैं जब भी हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हो। आर हम यूज करते हैं जहां जहां पर आता है वी, यू, दे, या फिर कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो। इज एम आर। टुडेज टॉपिक इज एम आर। क्लास, लुक एट दिस एक्सरसाइज। क्लास, लुक एट दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वेदर इट वुड बी इज, एम, आर। फर्स्ट पॉइंट इज करण डैश माय फ्रेंड। करण डैश माय फ्रेंड। करण इज माय फ्रेंड, करण आर माय फ्रेंड, करण टू माय फ्रेंड। कितने करण के पास, कितने करण के बारे में बात हो रही है? वन। वन के लिए हम लगाएंगे इज। करण इज माय फ्रेंड। सेकेंड, रोजेस डैश ब्यूटिफुल। रोजेस आर ब्यूटिफुल, रोजेस आर ब्यूटिफुल, रोजेस इज ब्यूटिफुल। रोजेस, क्लास पीछे लगा हुआ है एस, मतलब रोजेस क्या है? ज्यादा। जब भी हम ज्यादा चीजों की बात करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? आर। रोजेस आर ब्यूटिफुल। थर्ड, आई डैश अ सिंगल। आई यू अ सिंगल, आई फॉर अ सिंगल, I am a single। Plus, I के साथ हमेशा क्या आता है? Am। तो क्या आएगा? I am a single। Next, this dash my bag। This are my bag। This am my bag। This is my bag। Plus, last पूरे को कितने bags के बारे में बात हो रही है? One। One है। One के लिए हमेशा क्या use करते हैं? Is। So this is my bag। Next exercise। We dash students, we are students, we am students, या we is students। Class, we मतलब ज़्यादा, और we के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? Are। तो क्या आएगा? We are students। Is, am, are। अब आप अपनी be exercise देखो। Fill in the blanks with am, is or are। आपको fill करना है blank, अपने आप, there is no option, you have to fill am, is और आर। फर्स्ट है वी डैश प्लेयर्स। वी एम प्लेयर, वी आर प्लेयर, वी इज प्लेयर। अब इसमें क्लास देखो, यहाँ पे वी भी है, पीछे एस भी है। इसका मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है? ज्यादा, मोर। ज्यादा के लिए क्या आंसर आएगा? आर। वी आर प्लेयर्स। नेक्स्ट, यू डैश अ सिंगर। क्लास, यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर। हम क्या लिखेंगे? यू are a singer। Next, these dash pretty flowers। These flowers, एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? are। She dash my sister। कितनी सिस्टर है? She dash my sister, one। One के लिए हम यूज करेंगे is। Plus, जब भी कोई सिंगल बंदे के बारे में बात हो रही होगी, चाहे वो एनिमल हो, थिंग हो, कुछ भी हो, देन वी विल यूज इज। कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा हो, देन व्हाट वी विल यूज आर। जब भी वी, यू, दे आएगा, वी विल यूज आर।
हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। थैंक यू।